वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्ट्रैक्शंस एंड इजी वे टू सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम सबसे इजी तरीका अपनाएंगे सब्ट्रैक्शंस के लिए, और वो है हमारा पिक्चर्स, जो कि सभी बच्चे उससे मोहित हो जाते हैं। सबसे पहले आइए देखिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस का साइन क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। सब्ट्रैक्शंस का साइन होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, एक सिंपल लाइन जिसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और जब हम इन साइन को पहचानने लगते हैं तो एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं होती हैं। कुछ बच्चे प्लस कर देते हैं या कुछ माइनस, लेकिन जब हम इन साइनों को पहचानने लगते हैं तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमसे नहीं होती हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, यहाँ कुछ बॉल्स की पिक्चर बनाई गई हैं और उसके बाद लिखा है 4-1। 4-1 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो सबसे पहले काउंट करते हैं हम 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 बॉल्स, और हमें माइनस कितनी करना है 1। तो हम यहाँ पर कल की तरह, यानी कि जो एडिशन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ 4 बॉल्स बनाते, यहाँ 1, और टोटल काउंट कर लेते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय जो फर्स्ट हमारा नंबर रहता है उतनी पिक्चर्स बनाते हैं, लाइन्स खींचते हैं या बॉल्स बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बॉल्स हैं 1, 2, 3, 4। ये देखिए, यहाँ पर 4 बॉल्स दी गई हैं, -1। अब -1 कैसे करेंगे, तो -1 करने के लिए हमें इन बॉल्स में से एक बॉल को हटाना होगा या काटना होगा। तो यहां से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1। हमें यहां पर सिर्फ 1 बॉल को कट करना है या हटाना है, और जो हमारे पास अदर बॉल्स बचती हैं हम उन्हें काउंट करेंगे। 1, 2, 3, देयर आर 3 बॉल्स, सो 4-1 = 3, आंसर इज 3। सेकेंड देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्वेश्चन है हमारा 6-3। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो टोटल है 6, और माइनस कितने करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है ओनली 3। तो आइए कट करते हैं 1, 2, 3, और अदर जो पिक्चर्स हैं उन्हें काउंट कर लेंगे 1, 2, 3। सो 6-3 = 3, आंसर इज 3। यहाँ कुछ एप्पल्स बनाए गए हैं, या हमारे पास कुछ एप्पल्स हैं घर में तो हम उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कुछ अदर कुछ भी चीज़ें रहती हैं उनसे। 3-2, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 3, 1, 2, 3, -2, यहाँ पर हमें 2 एप्पल्स को कट करना है, या हम 2 एप्पल्स को खा लेते हैं तो हमारे पास कितने एप्पल बचते हैं। तो काउंट करते हैं 1, 2, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 एप्पल बचा, यानी कि 1 एप्पल। तो 3-2 = 1। यहाँ कुछ बलून्स दिए गए हैं, क्वेश्चन है आपका 5-3, यहाँ आपको 5 में से 3 को माइनस करना है। तो इसे काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 बलून्स, और हम इन्हें माइनस करेंगे 3 से, 3 माइनस करेंगे इनमें से, तो हम एक एक करके बलून्स को फोड़ देते हैं 1, 2, 3। हम 3 बलून्स को फोड़ देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 1, 2। तो 5-2 = 2। इस प्रकार हम पिक्चर्स को कट करके, ये सबसे फर्स्ट स्टेज रहती है सब्ट्रैक्शन सीखने की, तो हम यहाँ पिक्चर से सीखते हैं, फिर नंबर टू नंबर, या डायरेक्ट लाइन खींचकर फिंगर से। बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम पिक्चर्स को कट करके सब्ट्रैक्शन करेंगे, और इसके बाद मैं आपको नंबर टू नंबर भी सिखाऊंगी। आइए नंबर टू नंबर भी सीखते हैं। हम यहाँ पर 1 डिजिट नंबर माइनस करना सीखेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। साथ ही हम 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम 1 डिजिट नंबर लेते हैं, जैसा कि अभी आपने पिक्चर्स में कट करके या उन्हें हटाकर सब्ट्रैक्शन सीखे, यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5-2। देखिए, सबसे पहले आपको इसका साइन पहचानना बहुत ज़रूरी है, और इसको लिखने का तरीका देखिए। यहाँ पर मैंने 5 के जस्ट नीचे 2 लिखा है और 2 के जस्ट सामने माइनस लिखा है, तो इसको पढ़ने का तरीका है 5-2 = जो आपका आंसर आने वाला है। इसके लिए हम कल की ही तरह, जैसे कि हमने
एडिशन किए थे, सर्कल्स बनाते हैं, लाइन बनाते हैं या फिंगर से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सर्कल्स बनाएंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 सर्कल्स और -2, इनमें से हमको 2 को हटाना है। 1, 2, काउंट कर लेते हैं बचे हुए सर्कल्स को, 1, 2, 3, आंसर इज 3, यानी 5 - 2 = 3, वेरी इजी। सेकंड देखिए, 8 - 3, 1, 2, 3, यहाँ हम लाइन भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमने एडिशन में सीखा था कि जो नंबर ऊपर रहता है उसके लिए लाइंस भी लेते थे और जो नीचे रहता था उसके भी लाइंस लेते थे और उन्हें पूरा काउंट कर लेते थे या ऐड कर लेते थे। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हमारा नंबर फर्स्ट में दिया गया है जैसे कि 8, हम उतनी लाइंस, सर्कल्स या फिंगर्स को काउंट करते हैं। माइनस में जो भी आपको नंबर दिया रहता है उनको हम हटाते हैं या कट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 8 - 3, तो हम 8 लाइंस खींचेंगे, -3 यानी उनको हटाना है हमें उस जगह से। 1, 2, 3, हमने 3 लाइंस को काउंट कर लिया है और इनको हटा देते हैं। अब हम बची हुई लाइंस को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सो 8 - 3 = 5, हमारा आंसर आता है 5। अब आप देखिए 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्लेस, 0, 1s and 10s, तो यहाँ पर हमारे पास है नंबर 45, तो यहाँ 5 जो है 1s है और 4 जो है 10s है। -32, इसको हम ठीक तरीके से अरेंज करते हैं और इसके बाद हमें से सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने जैसे एडिशन में सीखा, हम 1s को सबसे पहले ऐड करते थे, सेम प्रोसेस माइनस में भी हम 1s को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए हमें 5 सर्कल की ज़रूरत है, 1, 2, 3, 4, 5 and -2, तो -2 के लिए 2 सर्कल्स को हटाएंगे, 1, 2, 3, सो 5 - 2 = 3। सेम हम 10s में भी करेंगे, 4, 1, 2, 3, 4 - 3, 1, 2, 3, हमारे पास कितना बचा है, 1, 4 - 3 = 1, तो यहाँ पर आप देखिए 45 - 32 = 13, इसका आंसर हमारे पास आता है 13। सेम हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, 87 - 43, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 3, 1, 2, 3, हमारे पास कितनी लाइंस बची हैं, 1, 2, 3, 4, 7 - 3 = 4, सेम ऐसा यहाँ पर भी करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमारे पास टेंस में है 8, हम 8 लाइंस को ड्रॉ करेंगे और -4, 4 लाइंस को कट करेंगे, 1, 2, 3, 4, काउंट करना स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4, 8 - 4 = 4, आंसर हमारा आता है 44, 87 - 43 = 44, इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्ट करना सीख सकते हैं, चाहे तो आप पिक्चर्स के द्वारा, चाहे तो आप सर्कल बनाकर। और जब भी आप इन नंबर्स को लिखें या आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप अपनी आंसर शीट में उनको सबसे पहले ठीक तरीके से अरेंज करें, उसके बाद आप इनमें से कोई सा भी तरीका अपना कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको हमने फिंगर से भी बताया था, फिंगर से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 3 - 2 =, इसको हम फिंगर से कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने हैंड्स की फिंगर काउंट करेंगे, 1, 2, 3, हमारे पास 3 फिंगर्स है और माइनस हमारे पास दिया है 2, तो हम 2 फिंगर्स को हटा देते हैं, 1, 2, और हमारे पास बचती है सिर्फ 1 फिंगर, तो 3 - 2 = 1, यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शंस करना सीख जाते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।